अब तक आपने देखा? वो हम डोल का पीछा कर रहे थे, पहले तो पूरा ससुरा बेगूसराय घुमाया और फिर अब यहाँ आया है कपड़ा बाजार के पीछे गोडाउन पे। पक्का भैया लाखन यहीं पे है, अब फटाफट आ जाओ बस। सोनी पिंटू, लेकिन लाखन बच्चों को यहाँ छोड़कर क्यों गया? कहीं कोई नया प्लान तो नहीं चल रहा उसके बारे में? आशा करते हैं कि बच्चे घर पहुंच गए। थैंक यू किस बात पर? तुमने अपना वादा निभाया। आप अपना वादा निभाइए, हम भी अपना वादा निभाएंगे। अब देखिए आगे। आज रात संगीत में जब सब बिजी होंगे हम चुपके से निकल आएंगे। 10 बजे यूनिवर्सिटी के गेट पे इंतजार करेंगे आप। बेगूसराय से जल्दी निकलना है, ठीक है? और कल सुबह होते ही शादी कर लेंगे। शादी कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अगर हमें धोखा दिया ना तो बड़ी हवेली में घुस के अंधाधुन गोली चलाएंगे। जो सामने आएगा मारा जाएगा, और इस सबकी जिम्मेदार होंगी आप। ऐसी नौबत नहीं आएगी, हम आपको धोखा नहीं देंगे। आशा यही रखते हैं। सब समझते हैं कि प्रियोम और मिथिलेश ने बच्चों को छुड़ाया है, लेकिन सोनी और पिंटू के घर वापस आने की असली वजह तुम हो पन्नी। थैंक यू। तुम अगर ये फैसला ना लेती ना तो ये लड़ाई, लाखन की यह हैवानियत कभी खत्म नहीं होती। तुमने सिर्फ 2 बच्चों को नहीं पूरे बेगूसराय को बचा लिया है पन्नी, हम हमेशा तुम्हारे ऋणी रहेंगे। इस परिवार ने हमको बहुत कुछ दिया और प्रियोम ने तो स्कूल से लेकर आज तक जाने कितनी बार हमारा साथ दिया, तो एक बार तो हमारा भी हक बनता था। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे तुम जहां भी रहो खुश रहो। और एक बात पुन्मी, जब तक तुम लाखन के पास पहुंच ना जाओ किसी को भी समझौते का पता नहीं चलना चाहिए।
वरना इस घर के लोग तुमको जाने नहीं देंगे और लाखन को लगेगा कि तुमने धोखा किया है। फिर वो और भी हैवान बन जाएगा। जी, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। संगीत यहाँ हो रहा है। ये फूल के टोकरे लाए हैं, ये गेंदे और गुलाब के फूल जरा वहां सजा दीजिए। हाँ बनवारी, अरे आ रहे हैं हम, रुको, वहां खराब करके रखा हुआ। बहुत बड़ा खबर, पूनम और लाखन के बीच में ना डील हो गया। आज पूनम संगीत वंगीत छोड़कर लाखन के पास भाग जाएगी और लाखन रातों रात पूनम को लेकर बेगूसराय से बाहर चला जाएगा और शादी कर लेगा। एक बार पूनम के मांग में ना लाखन का सिंदूर पड़ गया ना, तब कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तब शुरू होगा हमारा असली खेल। तब तक हमें बहुत संभल के रहना है। लगता है बरामदे में कोई है, हम आपको बाद में फोन करते हैं। था तुम्हें देखे हुआ। हाँ, हमें तुमका बहुत चिंता लगी हुई थी। अम्मा का है?
गया। अम्मा तू भी पागल है, तेरे चिंता के चक्कर में ना हम दोनों का चिता सज जाएगा। जहां 20 साल इंतजार किया है थोड़ा और इंतजार कर लो ना, बहुत बड़ा प्लान बनाए टाइम तो लगेगा। अब आप यहाँ आ गई हो, अब कौन देख लेगा, तो चलो अब आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। चलो हम आपको छोड़ाते हैं, और सुनो खुद को ढक लो, वरना ये फूलन ठाकुर का नजर ना बहुत तेज है, देख लेगा तुमको। हाँ सोच रहे हैं मालिक? समझ में नहीं आ रहा है कि रातों रात लाखन इतना होशियार कैसे हो गया। उसको नजर बंद किया तो कुछ साधु उसको छुरा कर ले गए। मेहंदी वाले दिन फेस बदल कर हमारे घर आ गया। उसके बाद सोनी और पिंटू का अपहरण, ना बचपन से जानता हूं उसको। खून गरम जरूर है लेकिन दिमाग इतना तेज कभी नहीं था। लगता है किसी और का दिमाग है। आपका इशारा किस तरफ है मालिक? खुद ही सोचो। हम लोग नकली पूनम को ले जा रहे थे, ये बात हम लोगों के अलावा और किसी को पता नहीं था। उसको कैसे पता चल गया? तो इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि हमारे बीच कोई गद्दार है। अब उसका नाम लीजिए मालिक, हम उसको काट देंगे। ढूंढना है उसे। साल से इस फूलन ठाकुर को हम जानते। अरे सूंघ कर ही दुश्मन को काट लेता है, समझी कि ना समझी? अब हमको ये ढेर का आदत पड़ गया। अम्मा बेटिया हम एक बात कहें, चलो चलते हैं यहां से, चलो। नहीं अम्मा, हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। जिस ठाकुर की बर्बादी के लिए तुम अपना पूरा जिंदगी लगाती, उसको इतना खुशहाल छोड़कर नहीं जाएंगे। इससे पहले कि सांप हमको डसे, हम अपना सारा जहर इसमें उतार देंगे। अब तू देखना, आज संगीत में पूनम की बेगूसराय से विदाई होगी और फूलन ठाकुर की इस दुनिया से। बेशरम भाइयों, पता है ना ये लेडी संगीत है, यहाँ लड़कों का आना मना है।
अभी पापा को बताएंगे ना तो ऐसे डंडे पड़ेंगे इधर उधर। अजी का है ना, बहुत अच्छा सा फील हो रहा था थोड़ा सा। पापा, अरे अरे तो मिनी बहन, तुम तो चाहती हो कि तुम्हारा भाई कब आ रहा है? पापा को बुलाया नहीं, जा रहे हो या नहीं? जा रहे हैं, जा रहे हैं। चलो जाओ, निकलो यहाँ से। अरे चलो, वो बहुत अच्छी है। ए गुड्डी, देख तो पुन्मी कहाँ है। अरे दादी, दुल्हन है, तैयार हो रही होगी, देखते हैं। नजमा चल। क्या सोच रही है जीजू? ना कुछ नहीं, हम जानते हैं आप क्या सोच रही है। खुशी का माहौल है और ऐसे में लाखन आके कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे, हम तो खुल के हंस भी नहीं पा रहे। न जाने ये सब कब खत्म हो जाएगा। अरे दुल्हन मैडम, दरवाजा खोलो, कितना सजोगे हमारे भाई के लिए, जरा हम भी तो देखें कि कैसी लग रही हो। अरे यही तो तैयार हो रही थी, कहाँ गई? कहाँ जा सकती है पूनम? शादी करने के लिए तैयार है? तो ठीक है, 10 बजे यूनिवर्सिटी के गेट पे इंतजार करेंगे आपका। बहुत याद आएगी तुम सबकी, शायद सामने आज के बाद ना, इसलिए सबको अपने साथ ले जा रहे हैं। और तुम, जब जुदाई लिखनी थी हमारे नसीब, तो ये कमबख्त मोहब्बत क्यों पैदा किए दिल में?
ये होंठों पर स्माइल और आंखों में नमी क्यों है? पूनम, हम जानते हैं कि जो कुछ हुआ उससे तुम बहुत परेशान हो, लेकिन अब तो सब ठीक है ना? भूल जा। कोई भूल सकता है भला? अगर पिंटू और सोनी को कुछ हो जाता तो? अरे, पर हुआ तो नहीं ना। लेकिन कल के दिन अगर फिर कुछ? कुछ नहीं होगा। कोई गारंटी थोड़ी ले सकता है? जिंदगी की भी तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम जीना तो नहीं छोड़ देते ना? जीना नहीं छोड़, लेकिन रोज ऐसी मौत के साथ आग मचोली खेल के जीना भी कोई जीना है? हर रोज किस्मत साथ नहीं देती थी। ए, ये क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कुछ नहीं। कुछ तो है जो तुम हमसे छुपा रही हो।